गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल पू व्लॉग्स। आज कुछ स्पेशल डिश नहीं बनने वाला है। आज मैं अपना रूम डेकोरेट करने वाली हूँ, जिसका बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि पूदी प्लीज आप अपना रूम को थोड़ा ठीक करो। मेरा जो खाली स्पेस है, ये कॉमन रूम में बेड है, पूरा खाली स्पेस है। मैं पहले से प्लान कर रही थी, सोच रही हूँ कि आज अपना जो प्लान है उसको कम्प्लीट कर दूँ। सारा सामान डिलीवर्ड हो गया है फाइनली। थोड़ा घर वर थोड़ा किचन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। ये सारा साफ कपड़ा है, अभी सूख गया है तो इसको मुझे अलमीरा में रखना है। राहुल ऑफिस गया ब्रेकफास्ट, जल्दी 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 ब्रेकफास्ट, एप्पल एप्पल ऐसा हो जाता है गाइस। तो मैंने किचन साफ कर लिया है एंड अभी मेरा डाइट प्लान भी मैंने शुरू कर दिया है फाइनली। गर्मी का सीजन आ रहा है एंड मेरे जो पर्सनल डॉक्टर है, मैंने आपको बताया था, उन्होंने मुझे डाइट प्लान रेडी करके दिया है। ऐसे गूगल करते करते इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, खुद का न्यूट्रिशनिस्ट खुद ही बन जाते हैं हम लोग। वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ जो मेरे डाइट प्लान को मेरी पर्सनल डॉक्टर उन्होंने मुझे दिया है एंड क्योंकि समर सीजन आ रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, तो उस सीजन के हिसाब से डाइट प्लान में भी चेंज आ गया है। कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कितना पानी पीना है, क्योंकि अभी समर आ रहा है तो पानी का इनटेक भी ज्यादा हो गया है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन अभी अभी मेरे जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे दिया है एंड आई एम रियली एक्साइटेड। नए सीजन के साथ नया डाइट प्लान एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। बट इन केस अगर आपको डाइट प्लान पसंद नहीं आता है, आप कभी भी अपने डॉक्टर से बात करके कुछ नया अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं आप डाइट प्लान में। आई थिंक मोर देन वन ईयर हो गया है प्योर स्किन के साथ जुड़ी हुई हूँ एंड यहाँ पे जो डॉक्टर्स है सर्टिफाइड डॉक्टर्स, ऐसा डॉक्टर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, ऐप खोल कर उनके साथ चेक कर सकते हैं एंड वो आपको एक कस्टमाइज डाइट प्लान दे रहे हैं और स्किन केयर रूटीन भी आता है जो कि आपकी स्किन के लिए कस्टमाइज है। इसीलिए वो प्रोडक्ट्स काम करते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपके स्किन के लिए डिजाइन है। मेरे स्किन में भी काफी चेंजेस आया है एंड जो नेचुरल ग्लो आया है, ट्रस्ट मी गाइस, एवरीबॉडी वांट्स नेचुरल ग्लो। सो मेरे स्किन का इम्प्रूवमेंट भी मैं ट्रैक करती हूँ डेली, मेरे स्किन एनालिसिस करके एक एक दिन के हिसाब में रख सकती हूँ कि एक एक दिन में मेरा कितना स्किन इम्प्रूव हो रहा है। वो बस एक ही प्रोडक्ट नहीं देते, वो पूरा स्किन केयर किट प्रोवाइड करते हैं। कल ही मैं लेकर आई हूँ फ्रूट्स वगैरह एंड नया डाइट प्लान मेरा आ गया है, इसीलिए मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। एंड दिस इज माई हेल्दी ब्रेकफास्ट। मेरे तो इतना सारा एक्ने हो गया था गाइस, आप लोगों को पता होगा अगर मेरा व्लॉग आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो। एंड ये सारा मेरा ठीक हो गया है क्योर स्किन प्रोडक्ट्स से, इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, 100% रिकमेंड करूंगी कि आप क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करिए, आज ही ऑर्डर करिए। ऐप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो मेरा डिस्काउंट कोड है PU275, इसको यूज करेंगे तो पहले परचेस में आपको 275 rupees ऑफ मिल जाएगा, बट दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स, इसलिए जल्दी से लिंक क्लिक करिए और ऐप अभी डाउनलोड करिए। तो गाइस सबसे पहले मैं सबसे बड़ा आइटम अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। आई थिंक ये कपड़ा जो हैंग करने वाला है वो वाला डिलीवर हुआ था, सो इसको असेंबल करना है एक एक करके। एक साइट है या ऐप है पिंट्रेस्ट, उसमें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है रूम डेकोर और आप कपड़े कैसे अरेंज करें, तो वहीं से देख के मैंने ये ऑर्डर किया और मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के यहाँ भी ये देखा है, सो आई लव इट वेरी मच, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। आप भी ट्राई करिए, असेंबल करना एकदम सुपर इजी है, इंस्ट्रक्शंस देखकर आप आराम से अकेले सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं। इस तरह से जाएगा, देखिए गाइस ये कुछ ऐसा दिखता है। सॉरी पूरा मैसी है, अभी ये सब सामान आया है बाहर से। मैंने सोचा था इसको वाइट पेंट करूंगी बट ये ऑलरेडी ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है तो इसमें खर्चा बहुत हो जाएगा, तो इसी के ऊपर डेकोरेट करूंगी। हैव अ लुक गाइस, ये पूरा ग्रीन है। वो ये लुक मैंने देखा था पिंटरेस्ट से, ये आपके रूम पे चार चांद लगा देगा। गर्ल्स स्पेशली आप लोग ऐसा लेकर आइए कपड़ा टांगने के लिए, अमेजोन में सर्च करिएगा। ये देखिए मैंने ऐसा पत्ता लगा दिया है और यहाँ पे मैंने लाइट्स भी लगा दिया है, ये लाइट्स ना, तो अभी मैं ऑन करके आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। यहाँ पे शूज रखूंगी, ज्यादा शूज मत लो, भले ही दो तीन लो बट अच्छा क्वालिटी का लो। तो यहाँ मैं कलेक्शन करूंगी धीरे धीरे। सारा वाइट ही है, वाइट ही पसंद आता है। कैटवॉक का शूज है, सुपर कंफर्टेबल, सुपर डुपर कंफर्टेबल है। और एक ये वाला है, ये मैंने एक बार मॉल में पहना था, इतना मेरा पैर दर्द हो गया, बट ये स्पेशल ओकेजन के लिए है बस। तो ऐसा करके
मैं यहाँ पे सजाऊंगी धीरे धीरे। ये भी खाली हो गया है, यहाँ पे राहुल का शूज है, मेरे होम टाउन से लिया था, आई डोंट नो कितना में लिया था, भूल गई मैं। सो इसका लेस जो है गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ पे मैंने लगा दिया है कपड़े, इतना अच्छा लग रहा है। एंड ये हो गया है मेरा कपड़ा, इतना ही है, अभी और कलेक्शन करूँगी धीरे धीरे। एंड मैंने मंगाया है ये पत्ता, ये वाला पत्ता मंगाया है अमेजोन से। गाइस मैंने जो भी मंगाया सब अमेजोन में है। तो ये एक कॉर्नर मिला है मुझे, मतलब मेरा अपना मी टाइम के लिए। कपड़ा स्टैंड मैंने लगा लिया है, वहाँ पे बैग है, यहाँ पे बेड है, तो ये बहुत खाली लग रहा है। मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा पिंटरेस्ट में देख के पत्ता और ये सब यहाँ पे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। ये मैंने क्या बोलते हैं इसको, स्क्रू टाइप का लाया है, लेकिन इसके लिए ड्रिल का कोई जरूरत नहीं है। ड्रिल मतलब कि स्टिकी है ना ये, गम, लेकिन स्टिकी होता है फिर कोई कोई गिर जाता है ना, गम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मैंने पूरा ऑनलाइन देख कर मंगाया, टाइट कर दिया। वाओ बस चाहिए अभी रखने के लिए, अभी चाबी। Cute. ये सब तेरा दिमाग में चलता है क्या, बोलो ना कि ऐसा लगाएगा। ये लाने वाला कितना समय हो गया। ये मैंने मंगाया है क्योंकि ड्रिल करना पड़ता है, ड्रिल करने वाले को बुलाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस टाइप का होता है, यहाँ पे टांग देती हूँ। ये हमारा घर का चाबी। ऑल्सो अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो देखा होगा मेरी मौसी ने मुझे दिल्ली से भेजा था ड्रीम कैचर्स, इसको भी मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। देखिए बहुत सारा है, पत्ता कम ना हो जाए इसलिए मैंने और ऑर्डर किया है। ये वाला 12 पीस था बट मुझे बस 11 पीस मिला, सो इतना धोखेबाजी क्यों भाई। घर का अभी DIY चल रहा है तो लड़कियाँ अक्सर इस हालत में DIY करती हैं, उसके बाद रूम भी सुंदर हो जाएगा, फिर हम भी नहा धो के टिप टॉप हो जाएंगे। गाइस मैं उस दिन से वेट कर रही थी कि मेरा अमेजोन का सारा सामान कब आ जाएगा, तो अभी आ गया है, तो कुछ कुछ मैंने आपको दिखाया है। और एक है मैं दिखाती हूँ, ये आया हुआ है सामान, और ये कुछ कुशन्स है, ये तीनों का सेट था, ये मैंने ऑर्डर किया है 599 में। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इसमें आया 3 कुशन, इतना क्यूट है, कलर भी बहुत ही न्यूट्रल है, माइल्ड है, तो मुझे अच्छा लगा ये वाला। और एक क्लाउड है, सो क्यूट, ये वाला है मून। आई एम श्योर गाइज आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, मैंने सोचा लू कि ना लू, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों के लिए है, बट डेकोरेशन के लिए तो थोड़ा एस्थेटिक अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ले लिया है। ये क्यूट है, ये मून है, यहाँ पे क्राउन है जो कि ग्लिटरी है, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। 599 के हिसाब से इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, जैसे मिनीसो में आपको एक ही मिलेगा बट अमेजोन में मुझे 3-3 मिला है। और ये एक वॉलपेपर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस कैन यू इमेजिन, ये क्या है, थोड़ा हैवी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ग्रीन घर में क्या चीज़ मैं करूँ जो थोड़ा एस्थेटिक लगे, तो मैं वाइट के साथ जा रही हूँ, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी अब इस घर के लिए मैं कुछ भी लूँगी तो वो ग्रीन कलर को ध्यान में रख के लूँगी। इसलिए मैंने पर्दा भी आप देख सकते हैं, ग्रीन और वाइट मिक्स वाला पर्दा लिया, नेक्स्ट टाइम चेंज करने के लिए प्योर वाइट वाला लूँगी। रोटी का बेलना, ये एक्चुअली एक मिनी टेबल है। किताब मैं सोच रही थी बहुत दिनों से पढ़ूंगी, यहाँ रख देती हूँ सो दैट टाइम पास, कभी कभी पढ़ लूंगी। और मैंने ये बाहर से तोड़ के लाया, मैं इसको व्हाइट पेंट करने वाली हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे अपना ड्रीम कैचर, फिर इसको वहाँ पे हैंग करूँगी। तो गाइस अब पूरा कंप्लीट होने के बाद देखिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना काम धीरे धीरे। निकला है बाहर में, बाहर का कार्टून में, बाहर में है, बाहर का कार्टून, हम गार्डनिंग करते हैं ना उधर, वहाँ पे।
अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक जाकर आए हैं। आज से थोड़ा शुरू किया हम लोग रनिंग करना, काम थोड़ा पेंडिंग हो गया था, अभी फिर शुरू करते हैं। स्टिकी वाला हैंगर वॉल पे यहाँ पे लगा दिया है, तो अभी हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। और ये है मेरा लाइट्स, तो एक्चुअली मैंने व्हाइट लाइट ऑर्डर किया था बट ये एग्जैक्टली व्हाइट लाइट नहीं है, अभी रिटर्न करने का मन नहीं हुआ तो इसको यूज कर लेते हैं। पे लाइट्स लगेगा तो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये सब अलग अलग से निकल रहा था तो मैंने ये सेलो टेप लगा दिया है, ये भी अलग से निकल रहा था तो मैंने यहाँ भी सेलो टेप लगा दिया, तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब एक ही पत्ता का पार्ट है। सो पत्ते लग गए हैं, अब मैं लगाऊंगी लाइट्स। लाइट नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि एक्सटेंशन कॉर्ड में नहीं पहुंच रहा लाइट। सो हमारा ये ब्रांच सूख गया है, सूख के कलर और ब्राइट हो गया। अब हम लोग इसको कैसे रखेंगे, ऐसा ऐसा करके रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक थ्रेड अटैच करेंगे। पे लगाऊंगी खाली स्पेस में, ये मैं यूज करूंगी। देखिए गाइस, सो मैंने ऐसा कुछ बनाया है, अभी इसको वॉल में लगाते हैं। ड्रीम कैचर भी लगा दिया है, ऐसे ड्रीम कैचर जो खिड़की के उधर लगता है बट ये डेकोरेशन पर्पस के लिए मैंने इधर लगा दिया। वाओ, छोटा सा रूम का सेटअप देखा। वाओ, ये आइडिया मैंने पिंटरेस्ट से लिया था, ऐसा पत्ता लगा के ड्रीम कैचर लगा कर। ये तीनों में से आपका सबसे फेवरेट कौन है? मेरा तो ये मून फेवरेट है क्योंकि इसका ग्राउंड इतना प्यारा है। अब मैं फाइनली राहुल से झगड़ा करके यहाँ आके हैंग आउट कर सकती हूँ और मेरा किताब पढ़ सकती हूँ शांति से। बस एक चीज़ का कमी है, ये बीच में हमें लगाना है पोस्टर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टुडेस व्लॉग। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, सो दैट मेरा वीडियोस जब भी आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कब आया। इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। बाय गाइस, लव यू ऑल।